हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द श्रेयस होम। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनने वाली डिश हक्का नूडल्स, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही डिलीशियस, जो कि सब्जियों से भरपूर हैं। तो आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई को लिया है और जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने इसमें पानी को ऐड कर दिया है और पानी में थोड़ा सा करीब एक चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए तो इसमें हक्का नूडल्स भी ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने हक्का नूडल्स को भी ऐड कर दिया है। अब इसको ढककर रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए और इनको बॉईल होने देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद जब इन्हें दोबारा से खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो इन्हें अब पानी में धुलकर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जाली को लिया है और जाली में बॉईल किए हुए नूडल्स को पलट लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने जाली में बॉईल्ड नूडल्स को पलट लिया है और फॉक की मदद से इसको अलग अलग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से ठंडे पानी से इसको एक बार और धुल लिया है, जिससे कि बॉइल्ड किया हुआ पानी जो निकलता है उससे हल्की सी सी चिपचिप रह जाती है, तो वो भी ठंडे पानी से धुलने से निकल जाती है। तो इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाया है ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पर इस तरह से ऑयल को लगाना है जिससे कि नूडल्स सारे अलग अलग खिले हुए रहेंगे। तो इस तरह से नूडल्स तो बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ये सब्जियाँ कट कर ली हैं। इनमें मैंने शिमला मिर्च को लंबा कट कर लिया है और गाजर को भी लंबा कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने बंद गोभी को बारीक कट कर लिया है। इसी तरह से प्याज को भी बारीक कट कर लिया है और यहाँ पर ये लहसुन कट कर लिया है, मिर्च भी कट कर लिया है और इसको पनीर को मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सब्जियाँ कट कर ली हैं। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब आगे क्या करना है कि मैंने एक कढ़ाई को लिया है और इसमें मैंने दो क्यूब साइज में मक्खन को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया है, इसको पिघलने देंगे। तो जब ये अच्छे से पिघल जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे लहसुन, जो कि मैंने बारीक कट करके रख लिया था पहले से ही। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको हल्का करीब एक मिनट तक भूनेंगे चलाते हुए। तो इस तरह से जब ये भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भी करीब एक मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जब ये सुनहरा होने लगेगा तो इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को भी इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे गाजर, जिसको लंबा कट करके रख लिया था मैंने पहले से ही। तो यहाँ पर गाजर को भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी चलाएंगे करीब एक से दो मिनट तक अच्छे से। तो इसके बाद इसमें ऐड करते हैं शिमला मिर्च और इसको भी अच्छे से चलाएंगे करीब दो से तीन मिनट। तो यहाँ पर इन सब सब्जियों को अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ बंद गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी भी बोलते हैं, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सब सब्जियों को करीब दो से तीन मिनट तक अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं पनीर, जो कि मैंने पहले से ही क्यूब साइज में कट करके रखा हुआ था। तो इसको भी ऐड करके चलाएँगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने नमक को ऐड किया है स्वाद के अकॉर्डिंग, तो आप भी नमक को स्वाद के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा और जैसा आप खाना पसंद करते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने नमक को भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ऐड करते हैं जो हमारे हक्का नूडल्स में निकलता है मसाला उसको, तो यहाँ पर मैंने उसको भी ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च, जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे।
और यहाँ पर मैंने अलग से थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, तो सब्ज़ी मसाला जिसको, अब इसमें मैंने नूडल्स को ऐड कर दिया है और ये अच्छे से चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे। तो इस तरह से नूडल्स भी रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि नूडल्स की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे नूडल्स भी बिल्कुल रेडी हैं, तो अब यहाँ पर मैंने जो सोया सॉस है वो इसमें निकलता है ऑलरेडी हक्का नूडल्स में, वो भी ऐड कर दिया है, और इसमें निकलता है टमाटो सॉस तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर फाइनली नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।